हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एसक्यूएल का प्रयोग कर सकते हैं और एसक्यूएल व्यू में जाकर के कैसे हम कोडिंग करके और कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करूंगा और यहां पर हमें करना है ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक और फिर यहां पर आएंगे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहां जो क्रिएट लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करना है और क्वेरी डिजाइन पे आना है और यहां पर इसको करना है क्लोज। क्वेरी डिजाइन को क्लोज कर देने के बाद आपको एसक्यूएल व्यू मिल जाएगा यहां पर और यहां सेलेक्ट लिखा दिखाई देगा। इस सेलेक्ट का यूज हम इस अगले वीडियो में सीखेंगे और यहां पर आपको लिखना है क्रिएट टेबल। चूंकि हम टेबल बनाना चाहते हैं तो यहां पर हमें कोडिंग में लिखना होगा क्रिएट टेबल। ओके, तो मैंने यहां लिखा क्रिएट टेबल और क्रिएट टेबल के बाद उस टेबल का नाम मैं दूंगा, ठीक है, जो टेबल हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है, तो ये स्टूडेंट के नाम से हम ये टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ये टेबल किस नाम से बना रहे हैं, स्टूडेंट के नाम से बना रहे हैं। यहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाइएगा, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट का नाम देना है, पहले हम स्टूडेंट की आईडी देते हैं या स्टूडेंट का रोल नंबर दे देते हैं। यहां मैं लिखता हूं रोल नंबर, आपको यहां अंडरस्कोर प्रयोग करना है गैप देने के लिए। ठीक है, तो यहां रोल नंबर कर दिया हमने और रोल नंबर क्या होगा, एक इंट डेटा टाइप होगा। क्या होगा, इंट डेटा टाइप होगा। मैं यहां लिखता हूं नॉट नल, इसको हम नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दिस इज प्राइमरी की। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्राइमरी की। ओके, तो यहां प्राइमरी की लिख देने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, क्योंकि हमें अगला भी इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा लास्ट नेम, तो सबसे पहले मैं लास्ट नेम दे देता हूं। ठीक है, और लास्ट नेम की जो डेटा टाइप होगी वो कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप मैं ले रहा हूं, तो मैं यहां लिखता हूं वेर कैर। ठीक है, ये लिखा हमने, इसकी साइज मैं क्या दे देता हूं, इसकी साइज मैं देता हूं 20। ठीक है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, 30, 40, 50 कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहां पे साइज रखता हूं 20। और 20 साइज रखने के बाद कॉमा दीजिए, ये लाइन खत्म हुई। और नीचे आकर के अब यहां फर्स्ट नेम, तो यहां लिखता हूं मैं फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस यहां पे देना है वेर कैर। ठीक है, यानी कैरेक्टर डेटा टाइप, और यहां पर साइज मैं 30 रखता हूं। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। और अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में एड्रेस भी आपको इंसर्ट करवाना है। तो यहां पे एड्रेस के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे नीचे एड्रेस, तो यहां पे लिखता हूं एड्रेस। ओके, और यहां पर लगाऊंगा डेटा टाइप, लूंगा वेर कैर, यही डेटा टाइप मैं ले लेता हूं और इसकी साइज में 40 रख लेता हूं, थोड़ा बड़ा हो सकता है एड्रेस, दैट्स वाई इसकी साइज में 40 रख लेता हूं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो स्मॉल ब्रैकेट आपने बनाया था उसको कर देना है क्लोज और इसको करना है यहां से रन। तो जैसे ही आप रन करेंगे यहां पर आपको टेबल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा स्टूडेंट नाम का, और आपने रन पे क्लिक कर दिया तो यहां पे आप देख सकते हैं वो सारी चीजें जो आपने क्रिएट किए हैं वो यहां पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें मैं क्या करता हूं। अब चूंकि हमने लिया हुआ है डेटा टाइप इंट टाइप का, ठीक है, तो यहां पर रोल नंबर मैं लिखता हूं 1, ठीक है, और लास्ट नेम लिखता हूं गुप्ता, ये दे दिया हमने, और यहां पे फर्स्ट नेम मैं लिखूंगा आनंद। ओके, और एड्रेस लिख दूंगा देवरिया। ओके, एड्रेस लिख दिया हमने देवरिया। इसी तरह से सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो यहां पे सेकंड रिकॉर्ड, और यहां पे दिया हमने सूरज, ये फर्स्ट नेम है, और यहां पे कर देता हूं मैं लखनऊ। ओके, और यहां पे थर्ड रिकॉर्ड, तो इस तरह से करके हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि एसक्यूएल में काम करने का ये तरीका आपको जरूर पसंद आएगा। यहां से आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, इसको कलर चेंज कर सकते हैं यहां से। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि यह तरीका पसंद आएगा आपको और माइक्रोसॉफ्ट में ही एसक्यूएल सीखने की हम शुरुआत कर सकते हैं। और आप जैसे काफी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि एसक्यूएल में कैसे काम करना है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के भी थ्रू एसक्यूएल सीखना शुरू कर देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।